हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने आपके लिए लिया है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। किस तरीके से हम रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। देन न्यूमरेटर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर एंड डिनोमिनेटर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। एज यूजल आप देख सकते हैं ए एंड सी बोथ आर न्यूमरेटर हैं और दोनों देखिए आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। सेम एज बी एंड डी बोथ आर डिनोमिनेटर एंड बी एंड डी मल्टीप्लाइड टूगेदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ का क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है, सभी में यूज़ होती है बेसिकली। और क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है कि अगर हम किसी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। जैसा कि हम डेफिनेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सिंपल, बहुत ईजी है, चेक कर सकते हैं कैसे। सपोज दैट आपके पास दो रेशनल नंबर्स हैं ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, देन आंसर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। चेक आउट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज कंसिडर द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड 3/4। हमने यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स को लेट किया है और हम इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर इज 3/12 जो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल के हेल्प से हमने ये प्रूव किया है कि दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट, अगली प्रॉपर्टी है जो हमारी वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहती है कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर्स हैं और उन दोनों रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल सेम इन बोथ द ऑर्डर। दोनों ऑर्डर में जो आंसर होगा वो सेम आएगा। जैसे कि आप देख सकते, पढ़ भी सकते हैं, द टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल सेम इन बोथ ऑर्डर। दोनों ऑर्डर में जो आंसर है वो सेम आएगा। यहाँ पे कुछ हिंट भी दिए जाते हैं। इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू एनी रेशनल नंबर्स वी हैव बोथ ऑफ दैम मल्टीप्लाई। ये एक आइडेंटिटी है जो आपको दिखाई गई है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किए हैं दो रेशनल नंबर जो हैं 1/3 एंड 3/4। स्टार्ट करेंगे उनका प्रोडक्ट। दोनों तरफ देख सकते हैं आप, हमने अलग अलग ऑर्डर में इनको नोट किया है 1/3 इंटू 3/4 एंड सेकेंड बेस में 3/4 इंटू 1/3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन लेफ्ट साइड आंसर इज 3/12 एंड द राइट साइड इज ऑल्सो 3/12, मीन्स दैट बोथ आर इक्वल, आंसर इन सेम। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने दूसरी प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव किया है, समझा है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। इस प्रॉपर्टी में हमें बोला जाता है अगर हमारे पास थ्री रेशनल नंबर्स हैं या उससे भी ज़्यादा रेशनल नंबर्स हैं और उन रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा। यहाँ पे अभी कम्यूटेटिव लॉ में हमारे दो रेशनल नंबर्स हैं, एसोसिएटिव में थ्री या मोर देन थ्री भी हो सकते हैं। एज यूजुअल जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वाइल मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, आंसर विल बी सेम। आंसर सेम आएगा चाहे हम किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई करें। इसकी आइडेंटिटी बनती है ए अपॉन बी सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर्स सो वी हैव। अगर हम तीनों रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी सेम। लेट सी एग्जाम्पल। कंसिडर द थ्री रेशनल नंबर्स -2/3, 5/7 एंड 1/6 एंड इन तीनों रेशनल नंबर्स को हम इस आइडेंटिटी के बेस पे इनको पुटअप करेंगे, किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने -2/3 के साथ 5/7 लिया है स्टार्टिंग में, उसके बाद 1/6 लिया है। लेकिन दूसरे साइड में आप देखिए -2/3 को मैंने बाद में लिया है, पहले मैंने 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/6 लिया है। स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इधर भी राइट साइड में भी स्मॉल, लेफ्ट में भी स्मॉल। जब स्मॉल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 10 माइनस का 10/21 एंड राइट साइड 5 × 42। चेक आउट,
ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन का मल्टीप्लाई वन के साथ, तो माइनस टेन 21 सिक्स 126। सेम एज वे राइट साइड में बात करेंगे, 5 टू द 10 माइनस टेन अपॉन 126। चेक आउट, सो आंसर विल बी अ सेम इन बोथ द ऑर्डर या बोथ द साइड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी प्रूव एसोसिएटिव लॉ। ओके स्टूडेंट, आज हमने आपके लिए सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। आज का जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 4 इन एक्सरसाइज 1D फ्रॉम योर बुक। आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ये सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर, सो डू इट केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट्स।